उन्होंने अपनी जबान से ही पहले कह दिया था भाई बीजेपी पे भरोसा मत करना कभी और चाहे और किसी पे कर लेना। अच्छा, की बार कहा हम लोकदल ना जवान लोकदल बिल्लू को से आप डरते ही नहीं किसी से। तो फिर आप अपना विवेक क्या कह रहा है? पूरा हल्का क्या बात है, अपना वोट अपना अधिकार है, यस किसी से नहीं डरते। लोकतंत्र यही माहौल बनने वाला है। कुलदीप जी का जी। हां जी, मजबूत कौन है? मजबूत कुलदीप बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आने से उनको फायदा होगा? पहले भी है वो, तो अगर बीजेपी में नहीं होते तो भी जीतते। अगर भजनलाल परिवार से जो भी आएगा, चंद्रमोहन जी आ गए तो कोई भी आए, कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से वो तो कांग्रेस पार्टी बताओगी, हम कैसे बता सकते चंद्रमोहन जी आए है तो भजनलाल परिवार नहीं, परिवार आए कोई आए। हाँ, यहाँ कुलदीप जो है ना, हाँ, वो लोगों के दिलों पर राज। सोनाली के 34,000 वोट आए थे अलकादमपुर से, और हमारा गाँव में भी वोट अच्छी आई थी, जीत के निकली। भाजपा की जो नीतियाँ उन नीतियों के पूरा देश खिलाफ है। अच्छा, और कुलदीप का कोई विरोध नहीं है, विरोध है भाजपा में जाने वाला विधायक पे। विश्वास करोगे नया चुनोगे? नया चुनोगे जमा। क्यों, पुराने वाले से क्या दिक्कत है? पुराना छिक लिया है, 26 साल हो गए मान तो। अच्छा, जूती टूट गई मार तो पीछे घूम घूम के रोड़े कुर्तालन में वोट कौन देऊ? तो कौन सा अरे कुर्ते वाला? अरे कुर्तालन जी, बिल्लू बिल्लू बलवान। नमस्कार जी, गांव राम में आप सबका स्वागत है। और अभी हम पहुंचे हैं गांव डोब्बी में, जो आदमपुर विधानसभा का एक गांव है। यहां हम मेन चौक जो गांव डोब्बी का वहां पहुंचे हुए हैं। इधर जाट धर्मशाला है और यहां मंदिर है, तो मंदिर के आगे काफ़ी बड़ी संख्या में बुजुर्ग हैं, नौजवान साथी हैं, सारे बैठे हैं। हम बातचीत करेंगे और गांव के विकास के बारे में बात करेंगे कि पीछे कितना विकास हुआ, आगे किससे उम्मीद है कि कोई व्यक्ति यहां विकास कर सकता है। तो इसी कड़ी में ही हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। एक जो मोटी धारणा है कि डोबी से जो जीते वो विधानसभा जीते, बिल्कुल इसमें कोई दौरान और अच्छा। ये तो सामने दिखाई दे रही है। हाँ, हाँ। हमारे गांव में कुमार बेल्ट, हाँ, खाती परिवार और नाई और सिंपी परिवार, अच्छा, कम से कम 1500 वोटों लगभग वोट है। और वो सारे भजनलाल के होया करते थे। अभी क्या हालात है ये आप बात सुनो पहले। वो पूरा भजनलाल परिवार का वोट बैंक था, ठीक है जी, और उसके बाद कुछ बिखराव हो गया, यानी कि ये और पार्टियां वाले जीते तो उसकी साइड हो गए थे। हाँ जी। और पिछली विधानसभा जो थी उसके अंदर सारा बीजेपी के अंदर चला गया वो बीसी वोट। अच्छा। और कुलदीप तो अब गया बीजेपी को। हाँ हाँ हाँ। और अब भी जो कुलदीप को गांव से हारेगा तो विधानसभा हारना तय। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि यहाँ पहले से बीजेपी का वोट बैंक मजबूत था? बिल्कुल, पिछली दफे पीछे जो चुनाव हुए थे, और अब क्योंकि कुलदीप आए हैं तो कुछ लोग कुलदीप से भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप से तो नाराज हो गए, बीजेपी में जुड़े थे डोबी के। अच्छा अच्छा अच्छा, कुलदीप से नाराज थे? हाँ, नहीं तो पहले भजनलाल परिवार के ही थे वे। हाँ हाँ हाँ। कुलदीप को दिया करते थे। ठीक है ठीक है। लेकिन पिछली योजना में बीसी जितने बीसी के जो वोट थे 1500 थे, 1400 थे लगभग, वो सारा सारा बीजेपी की तरफ चला गया। तो अब क्या वो वोट जो नाराज होके गया था वापस जुड़ पाएगा या उस वो बंट जाएगा औरों में? वो व्यक्तिगत वोट हो गया। अच्छा, न कि कुलदीप का। एक बात और है, क्या सोनाली का क्या हाल चाल था? उन्होंने मेहनत की थी यहाँ? बिल्कुल की थी। उनके जो वोट जुड़े थे क्या उनके कारण जुड़े थे या बीजेपी का? सोनाली के 34,000 वोट आए थे अलकादमपुर से, और हमारा गाँव में भी वोट अच्छी आई थी, जीत के निकली थी, तो व्यक्तिगत वोट हो गई। कुलदीप तो अब गया है बीजेपी के अंदर, बीजेपी से नाराज है, बीजेपी से नाराज नहीं है लोग, वह कुलदीप से नाराज है। ठीक है ठीक है। तो मोटा लबो लबाब यही है कि पीछे कुलदीप बिश्नोई से नाराज होकर लोग ने बीजेपी ज्वाइन की थी, और अब क्योंकि खुद कुलदीप बीजेपी में आ गई तो जो कहने का भाव यही कि भरोसा नहीं है उन लोगों का कि वापस वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे, कुलदीप से नाराज है। हाँ जी, राम राम जी। क्या आप क्या घटनाक्रम बनते देख रहे हो, क्या माहौल बनने वाला है? पुराना रखोगे, नया लोगे, या कौन टक्कर में आ सकता है? यहाँ बात यह है कि यहाँ कुलदीप कोई मायने नहीं रखता फिलहाल। अच्छा, फिलहाल देश का जो माहौल है ना, देश की जो राजनीति है वो किस ओर ले जा रही है? आज भाजपा की जो नीतियां हैं उन नीतियों के पूरा देश खिलाफ है। अच्छा। और कुलदीप का कोई विरोध नहीं है, विरोध है भाजपा में जाने का। अच्छा अच्छा। और जो भाजपा की नीतियों का जब देश की जनता विरोध कर रही है, अब
जब भाजपा ना रोजगार की बात कर रही, ना महंगाई की बात कर रही, ना शिक्षा की बात कर रही, ना स्वास्थ्य की बात कर रही, तो इन चीजों का विरोध है। और दूसरा, जैसे किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में यहाँ का बड़ा तबका जो था वो दिल्ली पहुंचा और बड़ा आंदोलन में भाग लिया, तो यहाँ के जो लोग है वो ऑटोमेटिक भाजपा के विरोध में, और जिस चीज के विरोध में लोग है उस विरोध में ये उसी में चला गया, तो इस चीज का विरोध रहेगा। अच्छा, और कुलदीप बिश्नोई इस गांव से अच्छे वोटों से हारेगा इस बार। हमेशा जीतते थे, हाँ, पिछले 450 वोटों से जीते है पिछला इलेक्शन। अभी कुलदीप का विरोध नहीं है, बीजेपी का विरोध, बीजेपी का विरोध है। जो भी बीजेपी की टिकट लेके आएगा वो हारेगा। अच्छा, हाँ, बीजेपी की बीजेपी की नीतियों का विरोध है। और ये ऐसे समय में ये गया है बीजेपी में, जब पूरा देश इस बीजेपी के खिलाफ एक माहौल पैदा हो रहा है। अब आप बिहार में देख लो। चलो एक बात आपकी, आप कह रहे हो कि यहाँ से कुलदीप या बीजेपी हारेगी, हराने वाला भी चाहिए, तो हराने वाले लोग है ना, लोगों को तो नीतियों कंपटीशन में कोई चेहरा तो आएगा, चेहरा जो भी आए, जो चाहे जयप्रकाश आए, चाहे संपत आए, चाहे कोई एरा गहरा आए, जो भी आएगा, या लोग यहाँ लोग ये देखेंगे कि कुलदीप भाजपा की टक्कर में कौन आ रहा है। एक बात है, आप मुझे बड़े जागरूक लगे। हाँ, कब तक ये आदमपुर विधानसभा कुलदीप या बीजेपी के खिलाफ मांग मांग के कभी कलायत से कभी नलवा से लाएगी, खुद का कोई नेता क्यों नहीं पैदा हो रहा यहाँ? नहीं, हम तो यही कहते हैं ना पार्टियों को, मेरा तो मानना भी है, मैं तो कहता भी हूँ भी पार्टियों को भारी उम्मीदवार की बजाय लोकल उम्मीदवार यहाँ का देना चाहिए, यहाँ का देना चाहिए, लोकल यहाँ का उम्मीदवार देना चाहिए। एक जो मोटी धारणा है कि डोबी से जो जीते वो विधानसभा जीते, बिल्कुल इसमें कोई दौरान, और ये तो सामने दिखाई दे रही है। हमारे गांव में कुमार बेल्ट, खाती परिवार और नाई और सिंपी परिवार, अच्छा, कम से कम 1500 वोटों लगभग वोट है, और वो सारे भजनलाल के होया करते थे। अभी क्या हालात है ये आप बात सुनो पहले जी। वो पूरा भजनलाल परिवार का वोट बैंक था, ठीक है जी, और उसके बाद कुछ बिखराव हो गया, यानी कि ये और पार्टियों वाले जीते तो उसकी साइड हो गए थे। हाँ जी। और पिछली विधानसभा जो थी उसके अंदर सारा बीजेपी के अंदर चला गया वो बीसी वोट। अच्छा। और कुलदीप तो अब गया बीजेपी को। हाँ हाँ हाँ। और अब भी जो कुलदीप को गांव से हारेगा तो विधानसभा हारना तय है। अच्छा, आपका कहने का मतलब कि यहाँ पहले से बीजेपी का वोट बैंक मजबूत था? बिल्कुल, पिछली दफे पीछे जो चुनाव हुए थे, और अब क्योंकि कुलदीप आए हैं तो कुछ लोग कुलदीप से भी जुड़े हुए हैं। कुलदीप से तो नाराज हो गए, बीजेपी में जुड़े थे डोबी के लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, कुलदीप से नाराज थे। हाँ, नहीं तो पहले तो भजनलाल परिवार के ही थे वे। हाँ हाँ हाँ, कुलदीप को भी दिया करते थे। ठीक है ठीक है। लेकिन पिछली योजना में बीसी जितने बीसी के जो वोट थे 1500 थे 1400 थे लगभग, वो सारा बीजेपी की तरफ चला गया। तो अब क्या वो वोट जो नाराज होके गया था वापिस जुड़ पाएगा या उस वो बंट जाएगा औरों में? वो व्यक्तिगत वोट हो गया। अच्छा, न कि कुलदीप का। एक बात और है, क्या सोनाली का क्या हाल चाल था? उन्होंने मेहनत की थी यहाँ? बिल्कुल की थी। उनके जो वोट जुड़े थे क्या उनके कारण जुड़े थे या बीजेपी का? सोनाली के 34,000 वोट आए थे अलकादमपुर से, और हमारा गाँव में भी वोट अच्छी आई थी, जीत के निकली थी, तो व्यक्तिगत वोट हो गई। कुलदीप तो अब गया बीजेपी के अंदर, बीजेपी से नाराज है, बीजेपी से नाराज नहीं है लोग, वह कुलदीप से नाराज है। ठीक है ठीक है। तो मोटा लब्बो लबाब यही है कि पीछे कुलदीप बिश्नोई से नाराज होके लोग ने बीजेपी ज्वाइन की थी, अब क्योंकि खुद कुलदीप बीजेपी में आ गए, तो जो कहने का भाव यही कि भरोसा नहीं है उन लोगों का कि वापस वो जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे। नहीं जुड़ेंगे, कुलदीप से नाराज है। हाँ जी, राम राम जी। क्या आप क्या घटनाक्रम बनते देख रहे हो, क्या माहौल बनने वाला है? पुराना रखोगे, नया लोगे, या कौन टक्कर में आ सकता है? यहाँ बात यह है कि यहाँ कुलदीप कोई मायने नहीं रखता फिलहाल। अच्छा, फिलहाल देश का जो माहौल है ना, देश की जो राजनीति है वो किस ओर ले जा रही है? आज भाजपा की जो नीतियां हैं उन नीतियों के पूरा देश खिलाफ है। अच्छा। और कुलदीप का कोई विरोध नहीं है, विरोध है भाजपा में जाने का।
अच्छा अच्छा। और जो भाजपा की नीतियों का जब देश की जनता विरोध कर रही है, अब जब भाजपा ना रोजगार की बात कर रही, ना महंगाई की बात कर रही, ना शिक्षा की बात कर रही, ना स्वास्थ्य की बात कर रही, तो इन चीजों का विरोध है। और दूसरा, जैसे किसान आंदोलन था, किसान आंदोलन में यहाँ का बड़ा तबका जो था वो दिल्ली पहुंचा और बड़ा आंदोलन में भाग लिया, तो यहाँ के जो लोग है वो ऑटोमेटिक भाजपा के विरोध में, और जिस चीज के विरोध में लोग है उस विरोध में ये उसी में चला गया, तो इस चीज का विरोध रहेगा। अच्छा, अच्छा। और कुलदीप बिश्नोई इस गांव से अच्छे वोटों से हारेगा इस बार। हमेशा जीतते थे, हाँ, पिछले 450 वोटों से जीते है पिछला इलेक्शन। अभी कुलदीप का विरोध नहीं है, बीजेपी का विरोध, बीजेपी का विरोध है। जो भी बीजेपी की टिकट लेके आएगा वो हारेगा। अच्छा, हाँ, बीजेपी की बीजेपी की नीतियों का विरोध है। और ये ऐसे समय में ये गया है बीजेपी में, जब पूरा देश इस बीजेपी के खिलाफ एक माहौल पैदा हो रहा है। अब आप बिहार में देख लो। चलो एक बात आपकी, आप कह रहे हो कि यहाँ से कुलदीप या बीजेपी हारेगी, हराने वाला भी चाहिए, तो हराने वाले लोग है ना, लोगों को तो नीतियों कंपटीशन में कोई चेहरा तो आएगा, चेहरा जो भी आए, जो चाहे जयप्रकाश आए, चाहे संपत आए, चाहे कोई एरा गहरा आए, जो भी आएगा, या लोग ये देखेंगे कि कुलदीप भाजपा की टक्कर में कौन आ रहा है। एक बात है, आप मुझे बड़े जागरूक लगे। हाँ, कब तक ये आदमपुर विधानसभा कुलदीप या बीजेपी के खिलाफ मांग मांग के कभी कलायत से कभी नलवा से लाएगी, खुद का कोई नेता क्यों नहीं पैदा हो रहा है यहाँ? नहीं, हम तो यही कहते हैं ना पार्टियों को, मेरा तो मानना भी है, मैं तो कहता भी हूँ भी पार्टियों को भारी उम्मीदवार की बजाय लोकल उम्मीदवार यहाँ का देना चाहिए, यहाँ का देना चाहिए, लोकल यहाँ का उम्मीदवार देना चाहिए। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या अभी पुराने वाला विधायक पे विश्वास करो या नया चुनोगे? नया चुनोगे जमा। क्यों, पुराने वाले से क्या दिक्कत है? पुराना सीख लिया, 26 साल हो गए मान तो। अच्छा, जूती टूट गई मार तो पीछे घूम घूम के और। तो अब नाराजगी क्या है, क्यों करे तो कोई वो करने का, तो ऐसे कह रहे हैं भी अभी सरकार में आए हैं तो कर तो अब सकते हैं। ये उसी ग्रांट वापसी हुई कोई हुई 35 साल की। अच्छा, ग्रांट वापस गई है। हाँ, क्यों वो उन पीछे नहीं कौन लाज क्या करेगा, तो फिर कौन विकल्प है नया कोई बढ़िया कैंडिडेट? बढ़िया कोई बाहर से लाओगे कि आदमपुर से पैदा करोगे? आदमपुर में तो क्या पैदा होगा, आड़ा भर का कोई होगा, पुराने कैंडिडेट बहुत है। संपत सिंह भी बढ़िया आदमी है, जयप्रकाश वो भी ठीक है, संपत सिंह पे ज्यादा रुझान दिखा। हाँ, बढ़िया आदमी लग गया मानते भाई संपत सिंह क्या। हाँ, पहले एक बार चुनाव लड़ा था, वोट दी उस टाइम, कंपटीशन में भी थे। हाँ, और इसके अलावा कोई आम आदमी चौटाला साहब इनके आम उमाड़े की में घुरी आम तो घरे रहे वो आप कौन बेटा की कौन बेटा। अच्छा जी, ठीक है। हाँ जी भाई साहब, आपसे भी बात करते थोड़ी। हाँ, क्यों तो यहाँ डोबी में थे, सभी से बातचीत कर रहे थे। हाँ जी, राम राम। आप रुको, आप कौन यहीं से हुई इसी गाँव के? आप अभी जो पुराना विधायक है कुलदीप बिश्नोई है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, दोबारा चुनाव होंगे, वही अच्छा था, कोई और अच्छा बनेगा? और अच्छा बनेगा, और बनेगा, उसमें क्या कमियां थी? सारी कमी है, फिर भी कोई एक दो आपको लगे भी, आप मिलते हमारे गांव में काम हो बने, विकास नहीं हुआ, अब कौन बन सकता है, कौन आ सकता है नया? संपत सिंह है। संपत सिंह, संपत सिंह बन जाएगी बात, कोई गैर जेपी बहुत बढ़िया है, संपत सिंह और जयप्रकाश चौटाला, बिल्लू चौटाले वाली पार्टी इन्हें लो नहीं। अच्छा, विधायक आगे बात कर रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई। पहले तो आप जैसे बताया कि आप राजनीति बड़े जानकार हो। मैं कौन जानकार भाई? अच्छा। मैं तो सिंपल जमींदार आदमी हूँ। क्या समस्याएं क्या है डुबी? कोई समस्या कोई नहीं, सब बढ़िया, सारा बढ़िया। तो फिर नाराज क्यों हो? कौन है नाराज? बैठे थे बोले काम नहीं किया, मजा नहीं बताओ। वो बैठे रोए बैठे सारे नाराज है। ना ना, ये राजनेता तो वो है। अच्छा, उससे बात करो। आप नाराज नहीं हो? ना, आप नाराज को नहीं, विकास हुआ है, कुकुर योते ही विकास जिसका हो जाए वो बढ़िया है। अच्छा, बस किसी की गली पक्की हो जाए, किसी का ठाण पक्का हो जाए, पुराने मैं सगा सिंह टूट जाए। हाँ हाँ। तो विकास किसा होया? पुराना विधायक बढ़िया था, नया लाओगे कोई है? वो तो भाई
इस बारे में जानकारी कोनी। अच्छा हाँ। वोट है आपका? हाँ, वोट है। डर रही हो? ना डरू कोनी। तो फिर क्यों नहीं बता रहे? शमी गेडू शमी। अच्छा हाँ, तो फिर अब की बार कौन? अब की बार फिर तो आप जेपी असंपत के पक्ष के लगे? ना ना, मैं किसी पक्ष में कोनी। हाँ हाँ, तो गांव के विधानसभा के भलाई के लिए कौन काम कर सकता है? मैं विधानसभा का कौन बेरा? अच्छा, मैं तो सरपंचीड़ा बारे में जानू। हाँ। जो हमारा परिवार का होगा हाँ। उसने वोट दूंगा। और इन्होंने विधानसभा ने कुलदीप को वो तो ना संपत सिंह ना ना तो कुलदीप को नहीं दे वोट कौन दू? तो कौन सा अरे कुर्ते वाला? अरे कुर्ते दूंगा बिल्लू बिल्लू बलवान चौटाला। हाँ अच्छा, वाह वाह, आप जानकार तो हो। तो हम गांव डोबी में थे। हाँ जी, क्या कर रहे हो? मेरे बात सुने। ये तो देखे, एक तो वो बैठा राजनेता तो वो है, सारी बात जानकार है। राजनेता जिसका मत है सबको राजनीति में भाग लेने का अधिकार है। तो सब की बात सच्ची बता दिया, जिसने वोट दिया उसने देंगे भाई बिल्लू को। बिल्लू देंगे पक्का? पक्का। तो और बिल्लू के हाथ नहीं बढ़ रहे कोई? आप अलग कैसे चल रहे हो? वो तो मेरा काम है। आपका मन है हाँ। बिल्लू को देना है बस, और दे चाहिए ना दे जी। बड़े लोग हैं, बड़े सिराने हुए हैं। अच्छा, हमारे है छोटे। अच्छा, हम तो पाइंदा हम सिर्फ दर के सोवा। बड़े लोग बनाते कौन है? आप ही बनाओगे? बड़े लोग आपसे ही बनते हैं? बनावा बड़े, कोई जहाज से नहीं उतरते, आप बनाते हो बड़े जहाज वाले उल्टे हो जाएंगे भी। अच्छा ठीक है, एक इधर भाई और खड़े हैं, युवा है, इनसे हम बातचीत करेंगे। हाँ भाई, राम राम। राम राम भाई, क्या परिस्थितियां बनने वाली है आदमपुर उपचुनाव की? कि नया वो कोई चुना जाएगा, पुराने ही हम रखेंगे? यहाँ जाइए आप। पता कौन है भाई, आप तो इतना ज्ञान कौन है? वोट बना हुआ आपका? हाँ, वोट बना। हर बार डालते हो? हाँ। पीछे कहाँ डाला था? पीछे सारी को बताया। अच्छा हाँ, तो फिर क्या? बहुजन समाज पार्टी, मायावती बहन। हाँ वाह भी, तो फिर बोलिए खुल के बहन। तो भाई जिन्होंने उन्होंने संघर्ष किया उधर कोई संघर्ष कर नहीं सकता। बस हम तो आगे भी उसको नहीं देवांगे वोट। यहाँ से कौन कैंडिडेट आ सकता है उनकी तरफ से? वो तो देख के जाए, अभी तक तय नहीं हुआ है। हाँ। मुकाबला होगा? मुकाबला होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो कह रहे हैं अभी कुलदीप बिश्नोई भी अभी मुकाबले में है, या फिर लोग नाराज है उनसे? बिश्नोई कुलदीप को नहीं आवा है। कुलदीप जो तो आपके हाथ पे कुहाड़ी मार ली होने। क्यों है? क्यों कहने बाजदा फिर है? एक वीडियो है कुलदीप बिश्नोई की, कुलदीप बिश्नोई कवे के कदे भी बीजेपी पे ना जावा और किसी ने वोट दे दे। अच्छा, माने इतने दिन खड़ा रखे, इस तरह करा वो करे है। हाँ। तो आज वो बीजेपी में क्यों मिले है? क्यों मिले है वो आज बीजेपी में? वो जो खुद वो नुकाव था भाई, मैं बीजेपी में ना बिक जाओ और कड़े भी बिक जाओ, आज वो खुद बीजेपी में जा रहे है। चलो वो तो बीजेपी में गई। हाँ। कांग्रेस से संपत्त और जेपी की बात हो रही है, वो मुकाबला देंगे? मुकाबला तो देखो टाइम पड़े है। अच्छा हाँ। या बहन जी की तरफ से कोई मजबूत कैंडिडेट आएगा? आऊगा, कौन कोई तो आऊगा। आएंगे? आएंगे बिल्कुल। चलो, समाज है और समाज में हर व्यक्ति के मत का जो आदर है वो होता है। तो हम गांव डोबी में हैं, यहाँ के लोगों से बातचीत कर रहे हैं, और भी गांव के किसी कोने में जाएंगे, वहाँ से भी जो मत होगा, जो बात होगी लोगों की, वो हम आप तक पहुँचाएंगे। तो हमारे साथ काफ़ी बड़े बुजुर्ग युवा साथी हैं, सभी से बातचीत करेंगे और माहौल जानने की कोशिश करेंगे कि आदमपुर विधानसभा का माहौल होने वाला क्या है। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। क्या सोच रहे हो, पुराने वाला विधायक रखना है या नया लाना है? नया लेना है भाई। नया लेना है? अच्छा, पुराने वाला नहीं रखना? नया लेना है। क्यों, क्या नाराजगी है पुराने वाले? नाराजगी क्या होती है, इतने तो कदे हर एरिया में आगे ना घूम गए, कौन देखे? हाँ जी, ये बड़ा नया ले आओगे कोई? अच्छा, नया लाओगे, ठीक है जी। तो नया कौन कंपटीशन दे सकता है, कौन मुकाबला कौन दे सकता है? मदान में आओगे देख लेंगे। संपत सिंह का नाम चल रहा है, वो जेपी का भी नाम है, देखो ले कौन सा। तो जेपी में कौन मजबूत मान रहे हो आप दोनों में से, कांग्रेस की तरफ से? अगर दोनों में जेपी आए तो ज्यादा मुकाबला दे, या संपत आए तो ज्यादा मुकाबला दे? संपत आए ज्यादा मुकाबला दे। संपत आए तो? और चौटाला साहब बिल्लू, उनका उनका कौन का इसको में नहीं, उनके बारे में नहीं पता। हाँ जी, राम राम जी। राम राम जी। क्या हालचाल, अभी लोग सोच रहे हैं कि पुराने वाले पे विश्वास करेंगे या नया चुनेंगे? नहीं, आदमपुर हल्का का विश्वास तो इतने लंबे समय से जमा हुआ है, कभी नया डगमगाया नया डगमगा होगा। अच्छा जी, इसका कारण है कि इस इलाके में जो कुछ हुआ, पहले चोरी भजनलाल जी ने किया, अब लोग जिस तरह तुलना करते हैं चौधरी कुलदीप बिश्नोई की चौधरी भजनलाल जी से। हाँ। लेकिन मैं कहता हूं कि कुलदीप बिश्नोई के सामने जिस तरह से बीच में उम्मीदवार आए, तो हर बार
बहुत बड़े भारी मतों से कुलदीप जी जीते, लेकिन दो एमपी हमारे इस इलाके से रहे जो कुलदीप जी हार गए थे, जिस तरह दुष्यंत चौटाला पहले एमपी रहे, इसके बाद में बृजेंद्र सिंह है। लोग क्यों भूल जाते हैं कि कुलदीप बिश्नोई के बारे में कहते हैं वो आता नहीं, ये नहीं है, जबकि कुलदीप बिश्नोई हर हफ्ते आदमपुर आता है, समय समय पर गांव में आता रहता है, और पानी की जहां तक बात है कई बार चलती इलाके में कि कुलदीप बिश्नोई पानी की आवाज नहीं उठाते। मैं बताना चाहता हूँ लोगों को कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई ने हल्के में बिजली पानी और नौकरियों में भेदभाव को लेकर के चंडीगढ़ विधानसभा का घेराव किया था। सारा हल्का नहीं, हरियाणा प्रदेश जानता है कि दुनिया भर की जो लाठियां वहां चली, गाड़ियां टूटी, वर्करों को लाठी लगी, और कुलदीप बिश्नोई खुद सबसे आगे होकर के सबसे पहले लाठी सीने पर खाने वाला कुलदीप बिश्नोई था। संघर्ष किया है, बढ़िया तरीके से संघर्ष किया है कुलदीप बिश्नोई, बड़े अच्छे मतों से जीत करके। आपके गांव के बारे में हमने एक बात सुनी कि पिछले जो चुनाव थे उसमें बीजेपी को काफी वोट मिले थे और वो लोग सारे कुलदीप से नाराज होकर बीजेपी में आए थे, तो क्या अब वो नाराज लोग वापिस कुलदीप से जुड़ पाएंगे? नहीं नहीं, देखो मोदी जी की बड़ी भारी लहर थी और उस लहर की वजह से भारतीय जनता पार्टी अगर आप बढ़िया, इसमें कोई दोराई नहीं। अच्छा, लेकिन आज कुलदीप बिश्नोई जब भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए तो उसके संघर्ष का फायदा और बीजेपी की जो मोदी जी के प्रति विश्वास लोगों का है वो भी कुलदीप बिश्नोई को मिलेगा। अच्छा जी, हाँ जी, राम राम ताऊ जी, क्या आप? हाँ जी, अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, तो और भी हम बातचीत करेंगे। हाँ जी, राम राम जी। राम राम भाई, आप क्या माहौल बनता देख रहे हो? संपत सिंह कह रहे हैं मजबूत कैंडिडेट के तौर पे आएंगे, जेपी की बात चल रही है, कुलदीप जी के प्रति नाराजगी भी दिखती है, क्या माहौल होने वाला है? देखो ये तो समय का टाइम ही बताएगा। अच्छा। संपत सिंह भी आ लिए, जेपी भी आ लिए, कुलदीप सिंह भी आ लिए। अच्छा जी, जनता का जो माहौल होगा, कौन कैंडिडेट आएगा, कौन पार्टी किसको टिकट देगी, उसके बाद ही कुछ। हल्के में कुलदीप जी के प्रति नाराजगी है क्या? हाँ, नाराजगी तो है। अच्छा, काफी नाराजगी है। हाँ हाँ, क्या कारण है नाराजगी के? कारण तो यही है ना, चौधरी बदनलाल जी का रवैया तो बहुत बढ़िया हुआ करता था। वो तो एक घुलनशील आदमी हुआ करते थे, जननेता थे, मान गए उनकी बात को, जननेता थे बिल्कुल, उन्होंने विकास भी किया आदमपुर का। हाँ हाँ हाँ, लेकिन कुलदीप जी के अंदर जितना मादा उनके अंदर था वो उनके इसके अंदर दिखाई नहीं देता। बीजेपी में आने का फायदा मिलेगा उनको या ये फैसला उनका ठीक है गलत है? ये उनका फैसला उनकी जबान से ही गलत है। अच्छा, उन्होंने अपनी जबान से ही पहले कह दिया था भाई बीजेपी पे भरोसा मत करना कभी और चाहे और किसी पे कर लेना। अच्छा अच्छा, तो मिली जुली प्रतिक्रिया है ग्रामीणों की, और भी इधर खड़े हैं, बिल्कुल हमारे अंकल हैं, अभी ताजा खेत से आए हैं काम करके। राम राम जी। राम राम जी, आप क्या माहौल बनता देख रहे हो? पुराने वाला विधायक दोबारा चुनोगे या नया लाओगे? वोट तो डालते हो ना, वोट है ना आपका? वोट है, डालते हो ना आप हर बार? अब की बार कहाँ? हम लोकदल ना जवा, लोकदल बिल्लू को? हाँ बिल्लू। अरे वाह वाह, तो हर प्रकार का डोबी गांव में हम आए हैं, कांग्रेस को, बीजेपी को, बहुजन समाज पार्टी, और ताऊ जी आ गए, इन्होंने ये कह रहे हैं कि बिल्लू को लोकदल। लोकदल क्यों? चौटाला, ओम प्रकाश जी चौटाला के कारण या बिल्लू के कारण? हमें मतलब जवा इसना हमेशा। अच्छा, ये पसंद है आपको? और थे ना हो। अच्छा, हमारा मतलब वोट देना मतलब है, हम इसने दिया। वाह धन्यवाद। एक युवा भाई है, राम राम जी। राम राम जी। युवा क्या सोच रहा है आदमपुर विधानसभा का, पुराने पे विश्वास रखेंगे या नया कोई लेके आएंगे? जो अच्छा काम करेंगे उसी पे विश्वास करेंगे। पहले वाले ने अच्छा किया है काम? कुलदीप जी की बात कर रहा हूँ। हाँ किया है, सब करते हैं, किया है काम। हाँ, तो उनका फैसला बीजेपी में आने वाला जो है वो ठीक है गलत है? वो तो ये अपने हिसाब से आ रहे उस चीज का तो हमारे नहीं। आप एक आम आदमी क्या सोचता है इस बारे में? नहीं, इस चीज का नहीं पता। नहीं पता, नहीं पता। तो फिर क्या जीत जाएंगे दोबारा से? अब ये तो नहीं पता भाई, माहौल क्या है कुछ नहीं कह सकते अब इस बात का। तो युवा नहीं कहेगा तो कौन कहेगा? कौन सोचेगा? डर रहे हो? ना, तुमने कोई बात रख दी, किसी और ने सुन ली, ओड़मा दे देंगे भाई, क्यों कहा भी तुमने हमारे? नहीं, ओड़मा से अपन डरते ही नहीं किसी से। तो फिर आप अपना विवेक क्या कह रहा है? पूरा हल्का, क्या बात है, अपना वोट अपना अधिकार है, किसी से नहीं डरते। लोकतंत्र यही है, बस अपने मन की बात कहें। इस चीज की अपने को नॉलेज नहीं है, राजनीति की बिल्कुल ही नॉलेज नहीं है मेरे को इस चीज की। अच्छा, तो फिर कौन संभालेगा इन बुजुर्गों के बाद देश? अब वो तो देखो,
कुछ है अपने भाई जो पढ़े लिखे वो संभाल रहे हैं उनके भरोसे है। ठीक है जी, धन्यवाद जी, आपसे ही बातचीत करते हैं। आप क्या सोच रहे हो, क्या माहौल बनने वाला है? कुलदीप जी का जी। हाँ जी, कुलदीप बिश्नोई का। एक बार पकड़ लो उसको, कुलदीप बिश्नोई। हाँ जी। क्यों कुलदीप बिश्नोई? कुलदीप बिश्नोई कर सकता जी हल्का विकास, हल्के का विकास। हाँ जी। कई लोग नाराज हैं कि बोले भाई उन्होंने 25 साल से विकास जो नहीं हुआ। पहले बन के गए सांसद उनको देख लो कोई आया नहीं। अच्छा, यही संभालते हैं सबको, यही संभालते हैं कुलदीप बिश्नोई। और जीतेंगे? जीतेंगे पक्का। कह रहे हैं संपत सिंह को हरा भी सकते हैं उनको? नहीं बिल्कुल नहीं, 100% जीतेंगे। मतलब आपको नहीं विश्वास कि कोई हरा पाएगा? कोई नहीं हरा पाएगा जी। अच्छा, एक बात और, सोनाली पहले यहाँ थी जी, तो उनका वोट बैंक या वो क्या यहाँ अगर होते तो मजबूत कैंडिडेट होते बीजेपी की तरफ से? नहीं जी बिल्कुल नहीं। नहीं होते? कुलदीप बिश्नोई, कुलदीप बिश्नोई उनका फैसला बीजेपी में आने का। ठीक है, बढ़िया जी। तो एक लास्ट बातचीत और करते हैं, एक अंकल और खड़े हैं। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। आप क्यों नहीं? राजनीति का चक्कर? नहीं, क्यों राजनीति? नहीं भाई, राजनीति के बिना देश चल नहीं सकता, राजनीति कोई बुरी चीज थोड़ी है। कौन है? हाँ, ये ऐसा है जहाँ एक बार छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, आप आपकी बात मानता हूँ। आप ऐसे इस ओड़ में से डर रहे हो भी, तुमने कुछ कह दिया और क्या, एक बात बताओ फिर भाई, आपने क्या माहौल बनता लग रहा है? माहौल तो युद्ध होगा संपत से, कोई आज खिंचाई ज्यादा, चाहे जेपी हो चाहे संपत हो। कुलदीप बिश्नोई? हाँ, कुलदीप बिश्नोई है। नहीं जी, पक्का है? कौन सा मजबूत, कौन है इनमें मजबूत? कुलदीप बिश्नोई है। कुलदीप बिश्नोई बीजेपी में आने से उनको फायदा होगा? पहले भी है वो, तो अगर बीजेपी में नहीं होते तो भी जीतते? तो भी है। अच्छा, तो ये जो जी जी हाँ जी, मैं बताऊं कि जिस तरह मैंने एमपी की बात करी थी, बृजेंद्र सिंह बने, दुष्यंत चौटाला बने, तो मेरे गांव में एमपी कोटे से बैकवर्ड चौपाल में 5 लाख की ग्रांट कुलदीप बिश्नोई ने दी, धानक चौपाल में 5 लाख की ग्रांट कुलदीप बिश्नोई ने दी, गौशाला में ग्रांट कुलदीप बिश्नोई ने दी, अम्बेडकर भवन में कुलदीप बिश्नोई ने दी, तो और एक लाइट की जो थी वो कुलदीप बिश्नोई ने दी, खेमारा में एक सरपंच की गली 9,76,000 की ग्रांट थी वो कुलदीप बिश्नोई ने दी। तो कुलदीप बिश्नोई ने हमेशा इस इलाके के लिए काम किया है, दिल खोल करके काम किया है। अच्छा, और किसी भी पार्टी में रहे हो, कहीं भी हो, निर्दलीय लड़े, परिवार का कौन लड़े, इस बात से कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता, चौधरी कुलदीप बिश्नोई जीतेंगे, बड़े भारी मतों से जीतेंगे। एक बात है, अगर ये बात है कि उन्होंने विकास किया है, काम किया है, तो उस काम के ऊपर एक बात जो भारी पड़ रही है वो ये कि वो लोगों से मिलते नहीं है, नहीं, उनको आना जाना कम है उनका, इसका मतलब तो ये हुआ। मैं ये बताता हूँ कि जो बंदा ये कहता है कुलदीप बिश्नोई नहीं मिलता, हाँ। नंबर एक तो उसकी मानसिकता शुरू से ही ऐसी रही है। अच्छा, लेकिन वो कुलदीप बिश्नोई के पास कभी मंडी में जाके देखेगा तब उसे पता चलेगा, नहीं, लोगों की मानसिकता बैठे कह रहे हैं, आज ऐसी मानसिकता होगी कि हर व्यक्ति के पास लीडर उसके घर पहुंचे, हाँ हाँ। लेकिन लीडर पहुंचता है, कोई निमंत्रण चाय पानी का हो, कोई प्रोग्राम रच के बुलावे तो आता है, वरना तो वो गांव दर गांव अभी पीछे दौरा करके गया था पूरा हल्के का, अभी पूरा हल्के का दौरा करके गया था, कान मुकान की बात है, कई बार आदमी पहुंच सकता है, कई बार नहीं भी पहुंच सकता, क्योंकि इलाके में बड़ा इलाका हो जाता है और हर रोज ऐसी बात रहती है, फिर भी कुलदीप बिश्नोई का प्रयास रहता है कि दुख सुख में ज्यादा से ज्यादा शामिल। आपने बड़े अच्छी तरीके से कुलदीप बिश्नोई जी का पक्ष रखा, तो यहाँ कैंडिडेट कुलदीप बिश्नोई ज्यादा बेटर है, भव्य ज्यादा बेटर है? नहीं, कुलदीप बिश्नोई का मैंने बताया है कि यहाँ परिवार का कोई भी सदस्य हो, कोई भी, लोग इस बात को नहीं देखेंगे कौन लड़ रहा है कौन नहीं, अगर भजनलाल परिवार से जो भी आएगा, चंद्रमोहन जी आ गए तो कोई भी आए, कोई कांग्रेस की तरफ से नहीं, कांग्रेस की तरफ से, वो तो कांग्रेस पार्टी बताओगी, हम कैसे बता सकते चंद्रमोहन जी आए है तो भजनलाल परिवार नहीं, परिवार आए कोई आए, हाँ। यहाँ कुलदीप जो है ना, हाँ। वो लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अच्छा, बाकी ठीक है, परिवार मतलब भजनलाल जी की विरासत आप कुलदीप जी को दे रहे हो? नहीं, कुलदीप जी यहाँ मतलब लंबे समय से लोगों के बीच में रहे हैं, नेतृत्व किया है हल्के का और हर संभव प्रयास किया है कि मैं लोगों की समस्याएं वो दूर कर सकूं। मिली जुली प्रतिक्रिया थी गांव डोबी की, हमने 2-3 जगह लोगों से बातचीत की, सारी आप तक पहुंचाई। अब आप में से काफ़ी सारे जो हमारे साथी हैं वो मुझे कहेंगे कि भाई ये तो बिकाऊ पत्रकार है, ये उनकी सुन ली, इसकी सुन ली, हमने जो बात थी वो रखी। अगर आपको लगता है भी मेरे से कोई क्वेश्चन छूटा है, प्रश्न छूट गया कि मुझे ये पूछना चाहिए था, तो आप कमेंट कीजिए, बताइए, अगले कहीं जहाँ भी हम गाँव में जाएंगे वो आपकी बात जरूर रखी जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।